हमारी इस दुनिया में बहुत सी महामारियां आ चुकी हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ज़्यादातर महामारियां चीन से ही आई हैं, जैसे कि प्लेग, एशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, H1N1, SARS और वर्तमान समय में फैली महामारी कोरोना वायरस भी चीन की ही देन है। इनमें से ही आज हम बात करेंगे 14वीं सदी में फैली भयानक महामारी ब्लैक डेथ की। इस जानलेवा वायरस की काली परछाई पूरी दुनिया में पड़ी थी। इस महामारी ने सन 1347 में चीन में ही जन्म लिया था और तेजी से उत्तर अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड सहित पूरे यूरोप में और उसके बाद पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया था। लेकिन सवाल यह है कि यह महामारी चीन से पूरी दुनिया में कैसे फैली थी। दरअसल ब्लैक डेथ वायरस चीन के चूहों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला था और ये एक प्रकार का प्लेग ही था। ईस्वी सन 1346 में एक समुद्री जहाज क्रीमिया से इटली के सिसली पोर्ट की ओर रवाना हुआ। उसी जहाज के अंदर ये प्लेग फैलाने वाले चूहे थे। जहाज के किचन, कमरों में और विभिन्न जगहों पर ये चूहे पहुंच गए और धीरे धीरे ये वायरस पूरे जहाज में फैल गया। जहाज के लोगों की तबीयत खराब होने लगी। गरजते समुद्रों के बीचों बीच वायरस ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। प्राथमिक इलाज का कुछ असर नहीं हुआ और जहाज के लोगों की एक के बाद एक मृत्यु होने लगी। सन 1347 में जब ये जहाज यूरोप पहुंचा, तब इसके स्वागत के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन जहाज में से कोई भी बाहर नहीं आया। ब्लैक डेथ वायरस के कारण जहाज के ज़्यादातर लोग मर चुके थे, तो कई लोग गंभीर रूप से बीमार थे। यूरोप के लोगों ने मरे हुए लोगों की लाशों को बाहर निकालकर उन लोगों को सामूहिक रूप से दफना दिया और जो बीमार थे उन लोगों का इलाज करने लग गए। इस बीमारी का इन्फेक्शन लोगों के फेफड़ों में फैलता है और उनके द्वारा सांस लेने पर यह वायरस हवा में फैल जाता था। ये तो हम सब जानते ही हैं कि कोरोना में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन उस वक्त किसी को ये खबर नहीं थी कि जिन लोगों को उन्होंने दफनाया है और जो लोग बीमार हैं वो सभी किसी भयंकर वायरस की चपेट में आ गए हैं और उनके संपर्क में आने से वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। ऊपर से उस जहाज के बहुत से चूहे बाहर निकल कर अलग अलग जगह फैल गए थे। इसके बाद तो इस महामारी ने पूरे यूरोप को अपने मुँह में ले लिया। लोगों को जब इस बात का पता चला कि यह वायरस चीन के जहाज में रहने वाले चूहों की वजह से फैला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूरोप के लगभग 2.5 करोड़ लोग, यानी कि उस समय की कुल आबादी में से 1/4 लोगों की इस वायरस से मृत्यु हो गई थी। आधी आबादी खो देने के बाद यूरोप लगभग टूट चुका था और पूरा यूरोप 100 साल पीछे चला गया था। यह प्लेग बहुत ही भयानक था। चीन का व्यापार जिन जिन देशों के साथ था और चीन के जहाज जिन जिन जगहों पर पहुँचते, वहाँ इन चूहों की वजह से ये वायरस भी पहुँच जाता। चीन के सिल्क रूट से होने वाले व्यापार के कारण ईस्वी सन 1347 से 1352 के बीच ब्लैक डेथ वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। जैसे जैसे मृतकों की संख्या बढ़ रही थी और जो संशोधन इस वायरस पर हो रहे थे, उसे लोगों को ये पता चला कि ये वायरस संक्रमण से फैलता है, जिस वजह से उस समय में भी लोग क्वारंटाइन होने लगे, एक दूसरे से दूरी रखने लगे, बाहर का खाना खाना बंद कर दिया, सामान को स्पर्श करना भी लोगों ने बंद कर दिया था। सालों बीत गए लेकिन ये वायरस नाबूद नहीं हुआ। भारत में भी इस वायरस ने 1889 में अपना असर डाला था। पोर्ट सिटी हांगकांग के द्वारा इस वायरस ने भारत में प्रवेश किया और लोगों पर अपना कहर ढाने लगा। इस खौफनाक बीमारी के कारण चीन और भारत में कुल 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। UK की डिफेंस इवोल्यूशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों की मौत तो सिर्फ भारत में ही हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये भयानक वायरस लगभग 1959 तक एक्टिव था। उसके बाद धीरे धीरे इस वायरस का असर कम होने लगा और आखिर में ये वायरस नाबूद ही हो गया। इस घटना को आज भी इतिहास के काले अक्षरों से लिखा गया है कि कैसे चूहों के पीठ पर सवार होकर ब्लैक डेथ महामारी ने सदियों तक अनेक लोगों का भोग लिया था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।